गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज, वेलकम बैक। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा से बने कुछ शब्द। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो आपने वॉच किया, देखा, आई होप आपने पूरा वर्क कंप्लीट किया होगा। एंड जितना भी वीडियो के थ्रू आपको जो क्वेश्चन आंसर मिले हैं, आई होप आपने राइट किए होंगे और लर्न किए होंगे। और आज हम इस वीडियो में छोटी ई की मात्रा से बने कुछ शब्द जो है वो पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, दिन, दिन में कौन सी मात्रा आती है? छोटी ई। लिख, गिरी, सील, बिल, पिया, मती, निशी, कवि, चवि, शिकार, मालिक, पहिया, बनिया, डलिया, मिठास, किताब, सितार, कविता, सविता, चिकना, डिबिया, टिकिया, बिटिया, बचिया, शनिवार, रविवार, दिनकर, नारियल, रिमझिम, बनियान, पिकनिक, हिलमिल, किशमिश और साइकिल। लास्ट हमारा शब्द कौन सा है बच्चों? साइकिल। तो एक बार वापस पढ़िए बच्चों, दिन, पिया, शिकार, मिठास, चिकना, शनिवार, बनियान, लिख, मती, मालिक, किताब, डिबिया, रविवार, पिकनिक, गिरी, निशी, पहिया, सितार, टिकिया, दिनकर, हिलमिल, चीला, कवि, बनिया, कविता, बिटिया, नारियल, किशमिश, बिल, चवि, डलिया, सविता, बछिया, रिमझिम और साइकिल। ये थे बच्चों छोटी से बने शब्द। अब हम पढ़ेंगे छोटा सा पैराग्राफ। बोल बोल कर पढ़ो और फिर पढ़ के आपको इसको लिखना है। दिन निकल आया था, दिन निकल आया था, रविवार का दिन था, बगिया खिल गई, चिड़िया डाल पर आ गई, वह तिनका लाई, चिड़िया तथा चिड़ा उड़कर घास, ऊन व धागा लाए, फिर अपना घर बनाया, तब चिड़ा उड़कर गया,
किशमिश लाया, किशमिश खाकर हिलमिल कर रहना सिखाया, फिर रिमझिम रिमझिम बारिश आई, चिड़ा व चिड़िया का मन चहक उठा। वापस पढ़िए बच्चों, दिन निकल आया था, मतलब ये देखो दिन निकल आया मतलब सुबह हो गई थी, ओके। रविवार का दिन था, कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। बगिया खिल गई, बगिया मतलब ये देखो बाग बगीचे खिल गए। चिड़िया डाल पर आ गई, ये देखो बच्चों चिड़िया डाल पर आ गई, चिड़िया डाल पे आ गई। वह तिनका लाई, चिड़िया क्या लेके आई बच्चों? तिनका, ये देखो चिड़िया तिनका लेके आई। चिड़िया तथा चिड़ा उड़कर घास ऊन व धागा लाए लाए, फिर अपना घर बनाया। फिर उन्होंने बच्चों क्या बनाया? अपना घर बनाया। तब चिड़ा उड़कर गया, तब ये जो चिड़ा है ये उड़कर गया। फिर उसने किशमिश लाई, चिड़ा उड़ के गया और क्या लेके आया? किशमिश। किशमिश खाकर हिलमिल कर रहना सिखाया, फिर इन्होंने किशमिश खाई और इन्होंने एक दूसरे से पाठ पढ़ाया कि हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। फिर क्या हुई बच्चों? फिर रिमझिम रिमझिम बारिश आई, फिर क्या हो गई? बारिश आ गई। तो इनका घोंसला तो पहले से बना हुआ था, ये तो सुरक्षित थे, इनका कोई नुकसान नहीं हो सकता था। तब क्या हुआ? चिड़ा व चिड़िया का मन चहक उठा। जब बारिश हुई तो चिड़ा और चिड़िया जो हैं बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उनको पता चला कि बारिश हुई, खेतों में फसल होगी, अनाज के दाने इजीली मिल जाएंगे और अनाज के दानों से चिड़ा और चिड़िया जो अपने बच्चों को खिलाएंगे, इसलिए चिड़ा व चिड़िया का मन जो है चहक उठा। बच्चों आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। दिन निकल आया था और रविवार का दिन था, ये दो लाइन आपको सुलेख की कॉपी में करनी है। दिन निकल आया था इसका पूरा एक पेज करना है और रविवार का दिन था इसका भी एक पूरा पेज करना है। ये दो आपके सुलेख वर्क हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वर्क जो हैं अच्छी राइटिंग में करें, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए और जब भी आप लिखें तो शब्दों को बोल बोल के लिखें और देखें कि इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है और छोटी मात्रा है या बड़ी मात्रा है। इस प्रकार से जब आप समझ के लिखोगे तो आपको कोई भी पैराग्राफ जो है इजीली समझ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा और वीडियो के थ्रू जितने भी आपको वर्क मिले ना बच्चों, आपको वो वर्क अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में करना है। पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे अगर वर्क नहीं करें तो वो उन्हें मोटिवेट करें कि वीडियो क्लास के थ्रू जितना वर्क मिले वो उनको ज़रूर पूरा करें और सारा वर्क जो पेंसिल से अपनी कॉपी में करे। कोई भी बच्चा पेन का यूज़ नहीं करेगा, सभी बच्चे पेंसिल से ही वर्क करें। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको
इस पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो हैं हम आपको अभ्यास करवाएंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।